जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप आज थंबनेल में तो आपने पढ़ा होगा, तो यस, हमारे जो बड़ी मम्मी है ना, उनकी पोती की शादी है। तो मम्मी वगैरह तो किसी ने जाना नहीं है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं जाना, तो आजकल सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। तो चलिए अभी मिलते हैं बापू शादी में ही, तो फिर आप बस बनते रहना हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय। फाइनली हम लोग आ गए हैं सड़क के, और ये देखिए साहिल और सिया, और बस अभी हम बस का वेट करें और फिर हमें पहुंचना है सीधा ही अलेऊ। सीधा ही अलेऊ में है, पहले मनाली में उतरेंगे। हाँ, मनाली में उतर के फिर वहां से बस लेंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मनाली में, तो अभी हम थोड़ा कुछ सामान ले रहे हैं, उसके बाद सीधा पहुंचेंगे हम शादी के वहाँ, क्योंकि अभी हमें एक बस लेनी है और नगर बाय लेफ्ट लेफ्ट मैंने बोलते हैं। बहुत बोरिंग होता वो। हाँ, लेकिन अच्छा है बट पास में है, क्योंकि मतलब बोर भी नहीं। यस, उतना दूर भी नहीं है और हम बोर भी नहीं होंगे और सीधा बैठेंगे। ज़्यादा शायद 5-10 रुपये लगता होगा किराया। कोई किराया बता दीजिए तो क्या हुआ। हाँ, 10 रुपये किराया लगता है, वैसे ही पहुँच जाएंगे फिर वैसे शादी में। फिर यहाँ पर देखिए बस सारा ये देखिए, ये तन्वी है और ये गीतू है, हमारा वेट कर रहे हैं यहाँ पर। हम सभी शादी को जा रहे हैं, इनको तो आप जानते ही अच्छे खान से। कैसे हो आप दोनों? कब से वेट कर रहे हैं? अरे शर्मा क्यों रहे, कैसे हो आप दोनों बताओ। अच्छे, आप बताओ। आप कैसे हो? हम भी ठीक है यार। कब से वेट कर रहे हो? बस 2 मिनट से। 2 मिनट? अरे वाह, मुझे लगा काफ़ी टाइम से कर रहे हो आप। गाइस यहाँ पर हो रही है बहुत ही हाई लेवल की डिस्कशन, आप देख सकते हो। यार ये गीत इतनी मोटी थी ना, ये इतनी मोटी थी, पता नहीं इसको क्या हो गया यार, इतनी पतली हो गई। बिल्कुल, मैं फूलती जा रही हूँ, फटने को भी कसम। तो अभी हम वेट कर रहे हैं हमारी एक और बहन का, संजना का, अभी वो आई नहीं है। पूनम दीदी आएगी और जैसे वो आती है वैसे निकलेगी, हम पता नहीं कब आएगी यार। चलो फिर देखते हैं क्या होता है, बस मिलते हैं आपको बाद में, है ना। इना दरअसल हम संजना अपनी कज़न का वेट कर रहे हैं, बट अभी वो हमारी बहन अभी तक पहुंची नहीं है। तो अभी हमने सोचा कि अभी हम क्या करें, बैठ के बोर हो रहे थे तो सोचा कि थोड़ी देर माल रोड घूम लेते हैं। तो अभी बस घूम रहे और तो अभी जैसे हमारी जो बहन है उसने कॉल किया, तो उसने कहा कि मैं पहुंच गई हूं और वो पहुंच गई। तो अभी हम पहुंच गए हैं बस स्टैंड, तो अभी बस बैठेंगे बस में और फिर पहुंचेंगे अपनी शादी वाले घर। तो आप देख सकते हो ये पहुंच गए फाइनली, आप देख सकते हो। इसी इंसान का वेट किया जा रहा था और इसने हमारे ना एक बस भी छोड़ दिया है कसम से। चलो ठीक है, हाय। तो हम लोगों ने कर लिया है ऑटो और हम जा रहे हैं। अरे दोस्तों, अभी पता क्या हुआ, मतलब हम लोगों को ना पता नहीं था कि मैरिज कहाँ पर है। इन द सेंस फर्स्ट टाइम ये मैरिज बेस्ती में थी, हम फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमें कहाँ से पता होगा यार, हम पहली बार उनके घर आए, आई मीन पहली बार आ रहे हैं हम आज, ठीक है। तो यहाँ पर पता क्या, हमने थोड़े ऐसा नहीं कि पहुँचे तो हम उसी गाँव में, बट जो मैरिज हो रही है ना वो थोड़े से आगे हो रही है, बट हम उतर के पीछे। दरअसल बात ये हुई कि वहाँ पर भी एक मैरिज हो रही है, तो हमें लगा कि पटाखे पटुखे की आवाज़ सुनाई थी, तो मुझे लगा शायद यहाँ पर ही मैरिज हो रही है। तो मैं भी उतर गई वहाँ पर फटाक करके, और पीछे से ये जो मेरे कज़न बहन है वगैरह है, ये बोलते कि भाई यहाँ पर नहीं है मैरिज, ये वो। सो अभी हम पैदल जा रहे हैं, अभी पहुँचना पड़ेगा मैरिज के, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही है यार, 1 मिनट का रास्ता है। हम पहुँच चुके इतने घूम फिरने के बाद, फाइनली हम मैरिज के इस ब्यूटीफुल गेट पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हो सभी के अभी पसीने छूट गए थे चलने के लिए, बट चलो मेरी वजह से इतना चल तो पड़े। तो चलिए अभी एंटर करते हैं। अभी तो ये हमारे बड़े मम्मी पकौड़े खाते हुए, राधा मासी स्माइल देते हुए बिल्कुल। ये है मंडप, तो टीका वगैरह तो हम लोगों ने दे दिया है, जिसको बोलते हैं जो हम शगुन देते हैं जैसे, मतलब। तो अभी हम जाते हैं खाना खाने, क्योंकि इतना ज़्यादा चले फिर अभी भूख लग रही है, पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं, तो हमने सोचा चलो अभी खाना खा लेते हैं। तो अभी हम सब जा रहे हैं खाना खाने, तो आपको भी दिखाते हैं कि खाने में क्या क्या बना है, क्या क्या नहीं बना है।
फूल अब तो फाइनली हम लोगों ने खाना खा लिया है। बहुत ही अमेजिंग बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। कैसा लगा सीधे खाना? अच्छा लगा। तो अभी बस अभी हम जा रहे हैं शादी वाले घर और वहाँ पर पहुँचेंगे, फिर देखेंगे वहाँ पर क्या होता है। बस अभी जैसे उन लोगों ने खाना खाया और अभी अभी जलेबी खा रहे भाई, बहुत करारी हुए। वाओ दिखाओ जरा। बहुत ज्यादा करारी है। कैसी लग रही है जलेबी आप लोगों को? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। तो तुम बहुत ही ज्यादा मतलब मस्त हो गई है खाने में, बहुत अमेजिंग यार। चलो चलते ऊपर, चलते यार ऊपर चल। अभी ना बहुत नहीं 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 नो नो बताओ कैसा लग रहा है? तू कोटे को कैसा लग रहा है? तू बता, मजा आ रहा है? तुझे कैसा लग रहा है? और कुछ लग रहा है, मजा आ रहा ना? हाँ सुहाना नहीं बेगाना, सही बात है। और मौसम देखो पीछे यार गाइस, बिल्कुल धुंध छाई है और ऐसा लग रहा है कि ओहो वाओ वाओ वाली फीलिंग आ रही है। अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से आगे जाऊँगा तो एक बहुत ही प्यारा व्यू नज़र आएगा आपको। मेरे पीछे देखो पेड़ ही पेड़, ऊपर से मौसम बिल्कुल पैक हो गया है और लगता है कि बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश आने वाली है, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पीछे देखिए कुछ बच्चे पीछे आ गए हैं, तो चलिए अभी देखते हैं क्या होता है यार। वैसे ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा, बट मज़ा आ रहा है। और ये जो गरजने की आवाज़ आ रही है, लगता है कि सच में ये भारी वर्षा हो सकती है, तो हमें अपना बचाव भी करना होगा। खाना तो हम लोगों ने खा लिया है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तो मौसम तो आप देख सकते हो, लेकिन चलिए आपको दुल्हन के दर्शन करवाते हैं कि हमारे जो दुल्हन है वो कैसे लग रहे हैं, उनको ज़रा बधाइयां देते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ। मौसम ना बिल्कुल पैक हो गया यार, बिल्कुल ही पैक लग ही नहीं रहा कि मतलब सुबह ना बिल्कुल सही था मौसम, उतना भी साफ नहीं, मतलब बारिश तो हो रही थी, छिटे छिटे पड़ी थी। माइक को अभी चलो जल्दी जल्दी फटाफट चलते हैं, इनकी फोटोज ही खत्म नहीं होते। अब मैं चलती हूँ फटाफट नीचे। अभी होने जा रही है वरमाला, तो चलिए आपको दिखाते हैं वरमाला कैसी हो रही है। चलिए आप बस बैठे रहें हमारे साथ और देखते हैं वरमाला।
जा रहे हैं खाना खाने और सभी लोगों को पता नहीं रास्ता कहाँ पर है, अभी पूछ पूछ के जा रहे हैं, देखते क्या होता है यार। तो फाइनली अभी हमें यहाँ के अंकल जी थे रास्ते में मिले थे, हाँ खाना खाने का जो रास्ता वो मिल चुका है और मंदिर का रास्ता भी मिल चुका है और अभी हम सभी जा रहे हैं खाना खाने। अब जाकर ऊपर से ऊपर वाला ये रास्ता के ऊपर वाला रास्ता चलो वहाँ। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे सृष्टि नारायण भगवान जी के मंदिर में, तो आइए ज़रा आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, करती हूँ मैं थोड़े से दर्शन देन उसके बाद करती हूँ आपसे बात। तो अभी पहुँच गए हम लोग खाना खाने के लिए और अब हम खा रहे हैं खाना, तो चलिए अब खाते हैं। बट यहाँ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यार, तो गाइस फाइनली हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूं अपने घर, अभी बजे हैं शाम के 6:30, तो चलो पूरे प्रॉपर टाइम पे पहुंच गई मैं अपने घर एंड बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और चलिए अब मैं अपनी बानी को देती हूँ यहीं पर ही विराम और मैं अब थोड़ा फ्रेश होती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।